नमस्कार दोस्तों दोस्तों कोई भी प्लॉट का गुनिया निकालने का आज हम आपको देसी तरीका बता रहे हैं। आप सोचेंगे देसी तरीका मतलब कि ज़्यादातर ऐसे तो आप लोग बुक में कुछ अलग पढ़े होंगे गुनिया कैसे निकाला जाए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब आपका प्लॉट एरिया है उसमें बिल्टअप एरिया जो बनाएंगे वो पूरा एकदम जो है राइट एंगल ट्रायंगल, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में हो चाहे आपका स्क्वायर शेप में हो। नहीं तो कभी कभी कैसे ऐसा होता है कि भाई कोई डायगोनल जो उसका ज़्यादा रहता है किसी का डायगोनल कम होता है, इससे क्या है कि आपका जो है घर जो है बदगुनियाम बन जाएगा, रूम जो है बदगुनियाम हो जाएगा। तो आज हम आपको एक ऐसा देसी तरीका बता रहे हैं तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाया हूँ और अभी ये प्रोजेक्ट अभी हम लोग को जो है खुद ही कर रहे हैं जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप भी जो है गुनिया निकालना सीख सकते हैं। चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए याद रखना चाहिए कोई भी अगर आप प्लॉट की बात करें तो उसमें यहाँ पर हम एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे मान लिया जाए ये मेरा प्लॉट एरिया हो गया, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चलेंगे और आप उसको समझते जाइएगा। तो इस तरह का मेरा जो है ये प्लॉट है, ठीक है, और इस प्लॉट में मेरा ये 19 फीट है और ये मेरा 48 फीट है। अब इसी का हमें ये गुनिया, मतलब कि ये पूरा जो है आएगा ये पूरा 90 डिग्री में होना चाहिए ये वाला, इसको निकालने का तरीका। तो अब आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट रखना है, कोई एक दीवार जो बाउंड्री वाल होगा वो आपका जो है पूरा सीधा में होना चाहिए, उसी से आप निकाल सकते हैं। अगर एक वाल मान लें कि इस प्लॉट का जो है यहाँ पे एक पहले से घर बना हुआ है, चाहे अगर बाउंड्री दिया हुआ है, तो ये पूरा जो है सीधा में है। अब आपका जितना भी सेटबैक एरिया है, सबसे पहले क्या है जैसे मान लें यहाँ से यहाँ तक सेटबैक एरिया यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1.5 फीट, 1 फीट 6 इंची। तो और इधर से सेटबैक एरिया आपका जो है एक टेंटेटिव ले लीजिए आप, इधर से भी 1 फीट 6 इंची, इधर से भी 1 फीट 6 इंची है। तो अब ये वाला पॉइंट हम पहले यहाँ से 1 फीट 6 इंची ले लेंगे, यहाँ से 1 फीट 6 इंची ले लेंगे और ये वाला और यहाँ जितना 48 फीट है यहाँ पे एक ठो 48 फीट का जो है सरिया जो है गाड़ देंगे, दोनों गाड़ देंगे। तो मेरा क्या होगा, ये लाइन मेरा सीधा हो गया, ये जो लाइन है मेरा 48 फीट वाला ये सीधा हो गया। आप ज़रा यहाँ पर देखेंगे वीडियो में तो आप क्लियर हो जाइएगा। तो हमें जो है यही चीज़ अगर आप यहाँ देखें, ये वाला जो आपका प्लॉट दिख रहा है ये पूरा सीधा है, तो इसलिए यहाँ से 1.5 फीट यहाँ ले लिए और यहाँ से 1.5 फीट आपको यहाँ ले लिए। तो मेरा एक लाइन कम से कम सीधा कर लेंगे तो आपके लिए है गुनिया निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। लाइन लेकर के हम यहाँ से वहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करेंगे, सूता। और यहाँ पर हम जो है फाउंडेशन का लेआउट के लिए जो है जो फाउंडेशन एक्सप्रेशन होगा हम फाउंडेशन का लेआउट दे रहे हैं फाउंडेशन का मार्किंग के लिए। तो अब क्या करना है कि दूसरा जैसे इस सीधा हम सीधा का मैंने ले लिया, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला लाइन जो है हम ले लिए, ठीक, यहाँ से यहाँ सूता ले लिए। अब दूसरा पहला पॉइंट ये हो गया, पहला काम ये। दूसरा काम अब यहाँ से इस सरिया से ये दूसरा सूता यहाँ पे लेंगे, लेकिन अभी इसको जो हम फिक्स नहीं करेंगे 19 फीट पे, क्यों नहीं फिक्स करेंगे भाई, गुनिया हमको मिलाना। तो अब क्या करना, देख सबसे मज़ेदार चीज़ जो यहीं पे है आपको समझना जरा सा इस चीज़ को। तो अब क्या करना हमें, जैसे ये वाला पॉइंट आपको जो दिख रहा है ये पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये यहाँ से हम क्या करेंगे मेजरमेंट एक इसी सूता से जो हम लोग थ्रेड लाइन खींच रहे हैं इसी सूता से एक छोटा सा इतना सा टुकड़ा हम काट लेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, ऐसे टेम्प्रेरी पकड़े रहेगा इसको, हम जो 3 फीट पर एक मेजरमेंट करके यहाँ पे सूता बांध देंगे और इधर से जो है 4 फीट पे मेजरमेंट करके सूता बांध देंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे राइट एंगल अगर आपको ट्रायंगल निकालना है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इसको, तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे अगर हमें जो है ये निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल तब होता है जब ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये टोटल होता है सी स्क्वायर इक्वल टू होता है
सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी इक्वल टू होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप जो आम भाषा में अगर आप इसको देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू लेते हैं हम 3, बी इक्वल टू लेते हैं हम 4, तो मेरा सी का वैल्यू कितना आएगा, तो ए तो यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर प्लस बी कितना है 4 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9, 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 16 रूट ओवर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रूट ओवर 25, तो कितना हो गया आपका 5, या फीट में लेकर चल रहे ये इतना फीट है, तो अब ये मेरा कितना होना चाहिए मेरा 5 फीट, तो सी इक्वल टू कितना 5 फीट। तो उसी हिसाब से फार्मूला मत, ये मेरा अगर ये करेंगे ना तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री में आ जाएगा, ये इतना तो क्लियर है। तो इसको 3 लेंगे, इसको 4 लेंगे, और यहाँ पे जो है 5 फीट में मार्किंग करके इसको मिलाएंगे, ये जहाँ तक आएगा सूता को खींच के आगे पीछे करेंगे। जरा देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ, आपको मज़ा आएगा। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, तो वही सूता को तोड़ करके अब जो है छोटा छोटा उसको तोड़ते हैं, छोटा छोटा इतना छोटा छोटा आप तोड़ लीजिए। अब वो क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई मार्किंग देने के लिए सूता के ऊपर ही, तो ये देसी तरीका है दोस्तों, आप भी जो है इस तरीका से जो आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, अब छोटा टैप लीजिए, अब वहाँ से अब जो है आप मेजरमेंट करके वहाँ सरिया से, जैसे यहाँ पे आपको 3 फीट पे मार्किंग कर देना है, और यहाँ पे जो है आपको ये सूता बांध देना है, है ना कमाल की चीज़। और वहाँ पे टेम्पोरी ऐसे जो उसको पकड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि अभी जो है 2 ही पॉइंट मेरा फिक्स हुआ है, तीसरा पॉइंट प्लॉट को गुनिया में लाने के लिए हम फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे बांध दिया। अब एक और सूता तोड़ के जो है आपका वहाँ पे कितना में 4 फीट में लेके चलना है, ठीक है। हम अभी प्लॉट को राइट एंगल ट्रेंगल जिसको गुनिया ही बोल सकते हैं उसमें हम मिला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर उसको बांध दिए। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो आप कंस्ट्रक्शन साइट में जब करेंगे तो मेरा कॉर्नर मिल गया, तो एक लाइन जो है मेरा जो 3 फीट वाला लाइन था वो मेरा टेम्पोररी अभी है, उसको फाइनल नहीं किए। अब एक लड़का उधर जो है पकड़ा हुआ है, अब जो है पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं 3 फीट है कि नहीं, इधर 3 फीट है, और थोड़ा आगे पीछे माएगा तो उसको आगे पीछे कर दीजिए, फिर से नाप लीजिए और वहाँ से 3 फीट देख लीजिए, और इधर से जो है आप 4 फीट देख लीजिए। आप इसको 4 मीटर अगर बड़ा प्लॉट है 3 फीट 4 मीटर ले सकते हैं, या 3 cm 4 cm कर लेंगे तो 5 cm का आएगा इधर बीच डायगोनल। अब जो है वहाँ पे 5 फीट पे हम उसको बोलेंगे पकड़ो, जो मार्किंग दिए थे 4 फीट वाला पे 5 फीट पे पकड़ने के लिए बोलेंगे, और ये लाइन को मिलाना है। अगर ये लाइन नहीं मिल रहा है तब उस लड़का को बोलेंगे भाई थोड़ा आगे पीछे जिधर मांग रहा है उधर उसको करो। अब देखिए, अब उधर नहीं मिल रहा तब ये जो है आपका जो है इस साइड मांग रहा है, देखिए वो उधर खींच रहा है, तो ये इतना पे मिला, इट मीन्स कि वो लड़का जो पकड़ा हुआ है वहाँ से जो सीधा लाइन है वही लाइन आपका ये गुनिया में आ गया, है ना कमाल की चीज़ दोस्तों। इस तरह का आपको और भी मज़ेदार चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया। अब तो मेरा मिल गया, तब टेम्पररी मेरा हो गया, अब वहाँ से सरिया जो पहले गारा हुआ था उसको उखाड़ करके अब वहाँ पे जो लड़का जो है मतलब पकड़ा हुआ है उसको जो है अब सूता को वहाँ पे अब हमें जो है ये लगाना है, और फिर से क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है सरिया को उखाड़ते समय आगे पीछे हो गया। अब यहाँ पर देखिए, फिर से मिलाइए उसको, जितना आगे मांगे आगे दीजिए, पीछे मांगे पीछे लीजिए, और इसको मिला लीजिए। और यही एक तरीका है दोस्तों गुनिया निकालने का, हो गया होगा क्लियर। और फिर उस लाइन को वहाँ फिक्स करके सरिया को वहाँ गार करके जो फिक्स कर दीजिए, और आपका ये निकल गया गुनिया, ठीक है। अब और भी आसान हो गया, तो अब जो है मेरा ये प्लॉट जो है ये पूरा 90 डिग्री में आ गया, जैसे ये लाइन और ये लाइन पूरा 90 डिग्री प्लॉट में गुनिया में आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरा गुनिया। अब एक और चीज़ क्या करना है हमें, तो अब ये वाला को कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या करना है, यहाँ तो पॉइंट फिक्स हो गया 19 फीट में फिक्स कर दिए, और यहाँ से हम लेंगे ना 48 फीट इसको ले लेंगे,
और प्लस कर देंगे कितना, ये 19 फीट, कितना हो जाएगा 67 फीट। तो यहाँ पे 48 फीट रहेगा और ये वाला पॉइंट पे 67 फीट का टैप मेजरमेंट कर लेंगे, तो ये 48 फीट प्लस 67, टोटल 67 फीट का टैप मेजरमेंट यहाँ तक आएगा। ये रहेगा 19 प्लस 48 प्लस 19 की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो टोटल 67 फीट का मेजरमेंट यहाँ पे लेंगे, तो फिर ये जहाँ पे आ रहा है 48 फीट में पकड़े हुए, चाहे आगे पीछे लेफ्ट जो भी है, यहीं पे आपका ये पॉइंट आ गया। तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका ये भी गुनिया में आ जाएगा। तो और जब डायगोनल मिलाएंगे दोनों का, तो डायगोनल बोले तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लाइन की बात करते हैं, इसका डायगोनल, इसको मेजर कर, इस सरिया से सरिया मेजरमेंट कीजिएगा जितना, और इस सरिया से इस मेजरमेंट कीजिएगा, दोनों आपको जो है बराबर ही रहेगा, है ना दोस्तों, कमाल की चीज़। तो ऐसे ही जो है शानदार ज़बरदस्त लाजवाब वीडियो के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी मज़ेदार से मज़ेदार हम वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जो है पसंद आया तो ज़रूर इसको जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। और तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं